हेलो गुड मॉर्निंग अगेन। आज ऋषिकेश सेकंड डे, सो अभी बस तैयार होके रेडी वगैरह होके यहाँ से निकल रहे हम गोविंद घाट। रात को वहाँ स्टे करेंगे। एक्चुअली निकलना था, फिर हमने सुबह 5:30 बजे का टाइमिंग थी, बट वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया तो हमने कहा चलो जाए 2 घंटे रेस्ट कर लेते हैं। और सो वेदर देखो एक बार का, सारी पार्किंग थी, ऑलमोस्ट बंदे सारे जा चुके हैं और हवा देखो एक बार कितनी ज़बरदस्त चल रही है। तो ही बस नीचे जाते हैं गुरुद्वारा साहिब का दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं साथ में, देन उसके बाद निकलेंगे। बाइक से बैग वगैरह पैक करना है अभी सब कुछ। एक तो हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही है, पता नहीं कैसे राइड होगी या नहीं। सो जैसे भी होगी देखते हैं, चले जाए दर्शन करते हैं, देन आपको कराते हैं। सो तो सामान वगैरह सारा पैक हो रहा है अपना। सजेंद्र भाई ने अपना बैग बांध दिया है मेरी बाइक पर, यहाँ पर ये बाइक बांधेगा। टॉप रैंक पर भी आएगा एक बैग। दर्शन कर लिए, अब कराएंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बड़ी मैंडेटरी है, एक्चुअली ऑनलाइन भी हो जाती है, अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रही तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप ऋषिकेश गुरुद्वारे भी आके करवा सकते हो, यहाँ भी हो जाती है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करा ले, देन उसके बाद फिर रेडी होके बस फिर फ्यूलिंग वगैरह करा के देन निकलते हैं। रजिस्ट्रेशन करा के जो बैंड मिल गए, बैंड खुल जाए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा बैंड मिल जाता है रजिस्ट्रेशन करा के। तो सारी बाइकें वगैरह तैयार हैं, निकल रहे हैं बस, अब फ्यूलिंग करवाते हैं। सामने ही पेट्रोल पंप है, देन उसके बाद सीधा गोविंद घाट रास्ते में लेंगे एक दो ब्रेक, फिर उसके बाद सीधा आगे जाके ना व्यूज़ बड़े शानदार आने वाले हैं। फुल कर दो, ये कहाँ तक गया। फ्यूलिंग हो गई है, सामने ऋषिकेश गुरुद्वारा, मत्था टेकते हैं बाबा जी को। बाबा जी आगे भी आप भी यात्रा कराओ। यहाँ से अब है गोविंद घाट अप्रोक्सीमेटली 280-290 किलोमीटर और सारी आगे हिल्स है। सारी बाइक के फ्यूलिंग करा के रेडी हो चुकी है। प्यारी भाजी मारे चाह वाहगुरु जी की फतेह। ए तजिंदर भाजी कोई रीस नहीं चली, ऋषिकेश से निकलते जाम मिल गया। एक्चुअली सारा राफ्टिंग का सीजन भी स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से 15-16 किलोमीटर ऐसे जाम रहेगा क्योंकि रास्ता यही जाता है शिवपुरी के ऊपर जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। इतना शुक्र है मौसम ठंडा है थोड़ा बहुत, अभी धूप इतनी निकली नहीं है। बद्रीनाथ है 291, केदारनाथ है 221 और हेमकुंड सबसे ऊपर है बद्रीनाथ, आई थिंक 20-25 किलोमीटर से, वही 270-270 किलोमीटर के आसपास है गोविंद घाट यहाँ से। और जाम कम हो जा रहा है, एक बार फिर थोड़ी वीडियो बनाते हैं। पार हो गया, चलू नज़ारा पूरा, क्या बात है भाई, क्या बात है, ठंडी ठंडी हवा। अरे अरे पता नहीं भाई कितने सालों का सपना था मेरा, बुलेट पे जाऊँगा या बाइक पे जाऊँ मैं हेमकुंड साहिब। बुलेट तो इतने साल रखी मैं जा नहीं पाया, पापा जी कह रहे यार तू डोमेयर ही लेके जा। क्या बात है जी, नज़ारा ही नज़ारा। ओए होए अभी तो जस्ट ऋषिकेश शिवपुरी पार करा, अभी थोड़ी और ऊपर जाएंगे तो फिर देखना और नज़ारा है। क्या बात है, क्या रोड है यार, जबरदस्त। वैसे मेरा एक फ्रेंड लास्ट वीक ही होता है बद्रीनाथ, उसने बताया कि पूरा रास्ता जो है ना, पूरा रास्ता ही ऐसे है, मुश्किल से हरिद्वार के जोशीमठ से पास थोड़ा बहुत 10-15 किलोमीटर का पैच है जो थोड़ा ख़राब है, वो भी काम चल रहा है, अदरवाइज पूरा रास्ता मक्खन है। और भी अगर बाइक पर आना चाहता ना तो भाई पूरे सेफ्टी के साथ राइडिंग गेयर वगैरह हर चीज़ प्रॉपर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कई लोग होते हैं कि बिल्कुल यार ऐसे ही आते हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, बट ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। हल्की लैंडस्लाइडिंग भी हुई है साइड में, आगे एक पैच आता उस पर बहुत तगड़ी लैंडस्लाइडिंग होती थी पहले, मे भी अब ठीक कर दी हो। काफ़ी जगह तो लैंडस्लाइडिंग जहाँ पर होती है ना वहाँ पे लोहे की ताव से बंद कर दिए पत्थर ताकि बड़े पत्थर गिरे ही ना नीचे, क्योंकि ये रूट खाली हेमकुंड साहिब के लिए नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, चारों धाम की यात्रा के लिए यही रूट निकलता है। और बद्रीनाथ से ऊपर जो मानना गाँव है ना वहाँ पे कैंप एरिया है, सो ये रूट 12 महीने ही एक्टिव रहता है। ये देख रहे हो छोटे छोटे पत्थर, इधर छोटे छोटे पत्थर कैसे टूट के गिरे हुए हैं ये।
कह सकते हो कि ना जो मेरी लिस्ट के अंदर मेरी ड्रीम राइड्स है ना, उसके अंदर से हेमकुंड साहब की एक थी। तो भाई ये पूरी हो रही है इस बारी। सारी लैंड स्लाइडिंग हुई पड़ी है, सारे पहाड़ ऊपर से टूटे पड़े हैं ये नीचे भी। अब जैसे जैसे रास्ता आगे जा रहा है थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है। क्या नज़ारा है भाई साधु जी का, देखो आई थिंक जा रहे बद्रीनाथ जा रहे होंगे या केदारनाथ। अभी पीछे एक और ग्रुप था, कोई कपल बोल रहा हूँ, एक ग्रुप था 1400 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं वो बद्रीनाथ तक की और केदारनाथ की। हिम्मत है यार, हम भी 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं बट वो कर रहे हैं भाई बाइक। तो आधे राइडर पीछे रह गए हैं, आधे आ गए, हम आ गए हैं, आधे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे आ गए, आ गए, एक बंदा पीछे रह गया। तो बस उसकी वेट करते हैं, साथ पीते हैं चाय, फटाफट चाय बोल दो भाजी, चाय पियो दे भाजी, हाँ बोल दो 10-12 ग्लास। तो थोड़ी बहुत फोटो खिंचवाते हैं, यहाँ पे रील रूल बनाते हैं, फिर निकलेंगे आगे के लिए। वो सारा देख रहे हो, फोग लग रही है वो ऊपर, मौसम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है यानी अल्टीमेट। सो भाई चाय वगैरह पी के फोटो वगैरह खिंचा के तजिंदर भाजी ने अपना पूरा प्री वेडिंग शूट करवाया बाइक के साथ। सो मतलब हो गई एक दिक्कत, प्री वेडिंग शूट है, और यार कुछ ना कुछ पता ही है मिस हैपनिंग होगी, टायर पे गया पंचर इंटरसेप्टर का, इतनी गंदी इतनी बड़ी कील घुस गई इसके अंदर जेरी। भाजी पंप ले आंदा जी तुसी है के इससे चलेगा, ट्यूब पर है ना पंप तो काम नहीं करेगा। कोई नहीं थोड़ी लत लगा देने आगे तक, जरा पीछे बंदा बैठा से उन्होंने कितने और बिठा दो, लत लगा के पंचर वाल होएगा क्योंकि अच्छा। ओ भाई साहब शराब की बोतल और ट्रक बदल गया, बदल गया कह रहा हूँ, पलट गया। तो जौन सी भाई पंचर हुई थी ना उनको, तो हमने बोल दिया भैया आप आगे चले जाओ, 2 किलोमीटर बाद है पंचर वाला, जाके पंचर लगवाओ वहाँ पे, क्योंकि स्लो ही चलाएंगे टैंकी पे बैठ के, ट्यूब भी चेंज होगी उनकी। पंचर तो जब तक लगेगा पंचर तब तक हम खाएंगे मैगी, क्योंकि भाई बिल्कुल पास में था होटल। भाजी मैगी लगा लो, लगा देते हैं मैगी, लगा लो। देसी घी वाली मैगी डाल दे या डालडे वाली? केड़ी मैगी? देसी घी वाली, डालडे वाली या मक्खन वाली? रिफाइंड वाली, सरसों तेल से बनवा लो। सो अमरीक भाजी की ऑल टाइम फेवरेट मैगी है सरसों के तेल में। सो फाइनली मैगी आ गई है। एक्सक्यूज मी, आज किन्नो बुला रहे हो? ओ भाजी ना रूपा जी, मैगी की हालत देख लो, देख लो मैगी। चलो जी मैगी खा के चाय आ गई है, बढ़िया चाय भैया, बढ़िया बनाई है ना, कौन सा दूध डाला इसमें? बकरी वाला तो नहीं है? बकरी के दूध की है, बकरी के की है। अरे यार नाना करता, मैंने 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे हुए और अभी हमारा पंचर ही नहीं सेट हुआ भैया से। अब YouTube पे देखिए वीडियो की भाई कैसे इसका इंटरसेप्टर का टायर फिट होता है, एक्चुअली पंचर तो लग गया टायर कैसे फिट होता है। आधे बंदे हमारे आगे जा चुके हैं और हम 3-4 बंदे जिनकी पाजी की बाइक है वो तजिंदर पाजी, हम यहाँ पे रुके हैं कि चलो यार जाएंगे। अब यही चीज़ का डाउट लग रहा है कि रात को पता नहीं कितने बजे पहुँचे गोविंदघाट, अगर रस्ते में, क्योंकि जोशीमठ में आई थिंक 7-8 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद आगे जाने नहीं देते, तो जैसा भी होगा देखेंगे, यही होगा एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब ये हमारे प्रो राइडर पाजी हैं, इन्होंने बैठ के 20 मिनट यूट्यूब पे वीडियो देखी है कैसे टायर फिट होना इसका, और अब ये लगे हैं करने के लिए टायर फिट। भाई आ ये फिट कर, अरे भैया हमारा एक मिनट भाई छोड़ो, तुम्हें पता होना आ चीज फिट कर, ये पत्री अंदर से गिर रही है ना, ये देखो फिट कर, ये तो टायर आ जाएगा इसके बीच में, ये पत्री ये वाला ये नीचे आ रहा है ना, ये वाला। सिमरत भाई ऑलराउंडर बता रहे हैं टायर फिट करना कैसे है, तेरी भाई झूला ना टेढ़ा कर देना। तो फाइनल जगह टायर फिट हो गया, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता, अब ब्रेक शू डिस्क पैड ही निकाल दिए यार। सबसे आसान काम हुआ नीचे लक्कड़ लगाने का, पहले थोड़ा मैं सो के आया हूँ और ये पाजी सो गया। यहाँ पे टायर फिट होने का नाम नहीं आ रहा टायर फिट का, यहाँ पे हमने ले लिया लस्सी मसाला साज,
अब पियेंगे आराम से। ये भाजी भी ना कुछ ही बोल देते हैं। फाइनली 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 भाई पंचर लग गया, सब निकल रहे हैं सारे, सबकी बाइक्स वगैरह दोबारा रेडी हो रही हैं। आई थिंक 11:30 बजे हम यहाँ पर रुके थे और 1:30 बज गया, अब 3 घंटे लग गए इंटर चैप्टर के पंचर में। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, कंपनी वालों को सोचना चाहिए भाई, कम से कम इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी हैवी गाड़ी दी, टायर तो ट्यूबलेस दे दो, अलॉय व्हील दे दो, बट पता नहीं फिर भी कंपनी सोचती नहीं है। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना शुक्र है यहाँ पे पंचर वाला कोई मिल गया तो रास्ते में लग गया, नहीं तो फिर भाई आगे जाके दिक्कत होती, तो बस निकलते फिर। अरे महाराज तुम बिल्कुल मानते हो जी, तुम ऑलराउंडर बंदे हो। पहले एक गल दसो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पहले एक गल दसो पंचर का टायर फिट करना सीखा कितों है ਭਾਜੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਸੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮੋੜ ਚੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਕਰਕੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਟਿਊਬਲੈਸ ਟਾਇਰ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਜੀ। ਓਹੋ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋ ਗਾੜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਤਮ, 에ਅਰ ਬੈਗ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਗਾੜੀ ਕੇ। ਡਰਾਈਵ ਸੇਫ ਯਾਰ, ਕਰ ਵੀ ਤਨਾ ਟੇਡਾ ਥਾ ਨਾ ਜੇ ਵਾਲਾ। पे हमें स्टॉप लेना था बीच में, लंगर वगैरह छकना था, वो नगरासू जगह है और जहाँ से अभी नाना कर क्या जहाँ से अभी नाना करते वो 3 घंटे का रास्ता हो रहा है। 1:30 बज गया, 4:30 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते हुए। अब मुझे तो यही है कि यार पता नहीं रात तक गोविंद घाट पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं तो जोशी मठ में वो ना करते वो रोकना लगा दे रास्ते में जाने के लिए, क्योंकि अभी यहीं पर जहाँ पर पंचर लगवाया था हमने ना, तो वहीं हमें बताया वहाँ से आर्मी से कुछ बंदे आ रहे थे, कह रहे कि यार अगर लेट नाइट हो जाओगे तो हो सकता है जाने भी ना दें, फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा उससे। बट कोई नहीं, जैसे बाबा जी को मंजूर वैसे ही जाएंगे, नहीं तो देख लेंगे लेट नाइट भी कर लेंगे थोड़ा पहाड़ी रास्ता कवर। पहुँच चुके देवप्रयाग, दिखाता हूँ मैं आपको भाई, जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं नीचे, बाइक से मैं उतर रही हूँ, बाइक पर बैठा हूँ, वो देखो वहाँ से एक अलग कलर का पानी आ रहा है, जहाँ से ग्रीन कलर का पानी आ रहा है, दोनों नदियाँ यहाँ पर आगे मिलती है, संगम होता है यहाँ पे इनका। आई होप कि आपको कैमरे में सब कुछ सही नज़र आ रहा होगा। और वहाँ पे लोग करते हैं नीचे स्नान, वो देखो पता नहीं अब नज़र आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि यार ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, निकलते हैं। ऊपर सारा काला बादल हो गया, वो देखो पूरा काला बादल हो गया, बिल्कुल 202% कन्फर्म है ऊपर बारिश पड़ रही है। उत्तराखंड वेदर वालों का मैसेज भी आया था कि ऊपर थंडर स्टॉर्म भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसे पुल देख रहे हो ना, पता नहीं किस चीज़ का बन रहा है, लास्ट ईयर भी जब मैं तब भी बन रहा था और इतना हैवी बन रहा है, इतना हैवी कि पूछो मत, वहाँ से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो कितने ऊपर ऊपर इसके वो बांध रखे हैं चैन से, ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है, कितनी शांत नदी, और ये सारा ऑफ रोडिंग पैच है, ये सारे पहाड़ हैं, ये सारे लैंडस्लाइड हुई हुई है जहाँ पे ऑफ रोडिंग कह रहे हैं सारे। चलो चलो चलो, सारी मिट्टी उड़ेगी ये, हमें से कुछ टनल टाइप बन रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं, 2 साल से तो देख ही रहे हैं इसको बनते हुए, बिल्कुल अंदर से निकालिए सारे पहाड़ों के नीचे से, ऊपर घर वगैरह बने हुए हैं। मे बी इससे रास्ता छोटा पड़ जाए, या हाँ छोटा ही पड़ेगा रास्ता, और क्या बेनिफिट होगा टनल का। ओ काके, सारे बंदे आके पहुंच गए, अकेला मैं पीछे रह गया, मैं रुक गया था अभी पेप्सी पीने के लिए। सो आ गया नगरासू गुरुद्वारा, अगे कोई नहीं गया, नहीं नहीं तजिंदर गया सी अगे, वापस आ गया यूटर्न लेके। हाँ किन्नी देर हो गई यार, 3 घंटे लाते ने पेंचर वाले ने, उन्हें यह नहीं पता टायर लाना कि गड्डी का। कौन हिमालयन वाले, फोन मारो यार। चलो जी ये लंगर, ओ बल्ले ये वाशरूम होने बड़े ने, पहले बड़े बेकार जो होंगे टुटे जे वाशरूम वगैरह, सारे बंदे लंगर वगैरह सबसे गुजारा रेडी हो गए। ये गुरुद्वारा साहिब नगरासू
जहाँ पे जितनी भी संगत आती है हेमकुंड साहब सारी दर्शन करके मथा टेक के रेस्ट करके जाती है, चाय वगैरह पी के लंगर वगैरह छक के हमेशा लंगर जाते जारी रहता है। तो पसंद भी लंगर के लिए रुके थे और थोड़ा रेस्ट करा 15-20 मिनट। 110 किलोमीटर और 111 किलोमीटर है यहाँ से अभी गोविंद के बाद, तो टाइम है 4:30। उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे 8 बजे तक। सत श्रीकाल जी, नींद होगी पूरी? मैं तो हूँ ही लेटिया सीगा, तुहाडे आने तों बाद ते लेटिया मैं, उत्तों पहले तो वेट कर रहा था तुहाडी। मैं क्या सी इन्हां नूं नाल दे नाल लेट जाओ ते आलस मार के अखीर ते लेट। सो जी लंगर वगैरह छक के नगरा सुसे सारे बंदे हो गए रेडी, मैं भी चलूं। ये राइडिंग पैंट पहन के ना इस बार बैठने का टास्क ही है, फ़ोन लगा ले चार्जिंग पे पहले। और अभी निकलते अपना ग्रासू से, और अभी अभी पता लगा ऊपर जोशी मठ के पास इतनी बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है ना, कार में मेरा फ्रेंड जा रहा ऊपर, कम से कम 1.5 घंटा हो गया उसको फंसे हुए ऊपर, तो पता नहीं बाइक पे क्या हाल होगा, कितने बजे पहुंचेंगे। बाकी कोई नहीं यार, जब ऐसे भी होगा जाना तो है ही। अब भाई रजिस्ट्रेशन करवाई थी हमने नीचे से, यहाँ पर होगी चेकिंग। सो हाँ भाई क्या बेच रहा है, तरबूज? नहीं यार, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चेक करानी है। हाँ वैसे चेक कराएं रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर होगी चेकिंग, यहाँ पे होगी रजिस्ट्रेशन की चेकिंग। स्कैन नहीं हो रहा? ले जाए इसको, धन्यवाद जी बहुत बहुत। जैसा जैसा दिन ढली जा रहा है मौसम इतना ठंडा हो गया ना अभी से ही, ऊपर जाके क्या हाल होगा वो तो पता नहीं क्या होगा, ठंड बहुत है ऊपर। अभी पिपली कोट आए हो उसके बाद से ठंड स्टार्ट हो जाएगी, जितनी गर्मी लग रही थी राइडिंग जैकेट और इसके ट्राउजर के अंदर सारी कवर हो जाएगी। बस ये है कि टाइम सिर पहुंच जाए, जोशी मठ हमें रोक ना ले, अगर जोशी मठ रोक लिया तो फिर कल का थोड़ा शेड्यूल जो है ना वो थोड़ा हिल जाएगा। यहाँ से रह गया है हेमकुंड साहिब 121 किलोमीटर, बद्रीनाथ पुलों की घाटी, पुलों की घाटी भी बंद होगा। अच्छा नीचे जाना है हमें बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, यहाँ से रास्ता डिवाइड हो गया, ये ऊपर कहीं और जा रहा है। मुझे पाजी ने हमारे, हम थोड़े पीछे रह गए थे हमारे आने से पहले ही ऑर्डर कर दिए पकौड़े। पाजी कौन से पकौड़े हैं ये? मिक्स है, ये मच्छी के पकौड़े लग रहे हैं, हालांकि मैं खाता नहीं हूँ लेकिन फिर भी वेज पकौड़ा है। चल अच्छी बात है यार, ये भाई अब रह गया 1-1.5 घंटे का रास्ता रह गया, बस यहाँ से खाएंगे चाय पियेंगे पकौड़े दम सीधा गोविंद घाट, और फिर मिलूंगा मैं आपको सीधा गुरुद्वारे के अंदर। हो गया गोविंद घाट, रात के बज गए 11:30-12:15, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था रास्ते में इसलिए ब्लॉक करा नहीं, तो मैं क्या एक बार पहुँच जाए वहाँ पे गुरुद्वारे, रूम वगैरह ले ले, रूम्स भी नहीं मिले ऑलरेडी सारे फुल है, तो होटल वगैरह हमने ले लिया, मतलब रेस्ट करेंगे, सुबह करेंगे ट्रैकिंग स्टार्ट 13 किलोमीटर वाली। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।